हे अस्सलाम वालेकुम आल गाइस, कैसे? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो गाइस, पहले तो आपको मैं आज ये बताऊंगी कि आज मेरा कैमरा मैन नहीं है, बिल्कुल बिजी है और मैं बिल्कुल फ्री थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ अपना ब्लॉग शेयर कर लूँ। कैमरा मैन ना होते हुए इशी आज आपको खुद काम करके दिखाएगी। मैं काम कर रही थी घर में, थोड़े से काम, क्योंकि अब रमज़ान है तो जहरी बात है, हम घर में होते हैं तो फ्री होते हैं, बिल्कुल वैसे तो बिजी होते हैं, पर आजकल थोड़ा फ्री थे। तो जैसे फ्री हैं, माशाल्लाह से आज 20 रोज़े कंप्लीट हो गए हैं, 20वां रोज़ा है और बाकी जो रोज़े 10 रह गए हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने सोचा कि घर के काम करना स्टार्ट करें। घर में जो काम बचे हैं, मेन मेन काम है, वो तो खुद करने पड़ते हैं, मैं वो नहीं करती, तो हमें खुद करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये अपनी अलमारी साफ़ करूँगी, आज मैं ये साफ़ करने लगी हूँ। तो इतनी गंदी हो रही है, इतनी गंदी चीज़ें बिखेरी हुई हैं। मेरी छोटी सिस्टर बहुत नुकसान करती है मेरा। आप लोगों को दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ। और रूम टूर का आप मुझे कह रहे थे कि अपना रूम टूर करवाओ, ये रूम मेरा ही है, इसका टूर भी होगा। बस कुछ डेज में मैं इंशाल्लाह करूँगी, आज तो मैं करने लगी हूँ काम, तो मैंने लोग का सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो काम तो जैसे मैं कर ही रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँ। तो गाइज़, काम को करते हैं स्टार्ट और टाइम हो रहा है अब मेरे काम का। तो मेरी अलमारी का हाल आप खुद देख सकते हैं कि क्या हो गया है। ओ माय गॉड, इतना गंद में आ, ये सफाई करके सबमिट करना पड़ना है। एक तो ये मेरी जो छोटी सिस्टर आई है, देखो ये जो मैं मतलब चीज़ें यूज़ करती हूँ वो सामने मैंने अपनी रखी हुई है ताकि मुझे मुश्किल ना हो, मैं यहाँ अलमारी से निकालूँ और यहीं पे यूज़ कर लूँ। अच्छा गाइस, आप मुझे ये बताएं कि ये पाउडर किसका फेवरेट है? यार कितना ज़बरदस्त पाउडर है। मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये कौन यूज़ करता है। मैं अपनी काफ़ी सारी चीज़ें जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं मतलब डेली बेसिस पे क्या क्या यूज़ कर रही होती हूँ और क्या नहीं, तो वो भी ये चीज़ें तकरीबन आप लोगों को इस सब में नज़र आएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। ये क्लिनजिंग वगैरह है, जो मतलब मैं कभी मूड हो या कभी दिल कर रहा हो तो तब मैं ये वाली सारी कर लेती हूँ। मैं मतलब दिखाती हूँ वन बाय वन। और मेरी आदत है जैसे कि मैं काम करते हुए नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कवाली भी साथ साथ सुनती हूँ, और ऊपर भी मैं नज़र आ रही हूँ। वाह वाह, मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, आए सुन के जाओ। अच्छा, आप लोग भी बता दें मैं कैसी लग रही हूँ। तो गाइस, अब मैं ये करने लगी हूँ स्टार्ट। फला कितना गंद मेरी अलमारी में। तो रूम में ना थोड़ा लाइटिंग इशू है, लाइटिंग कम है जस्ट। तो लाइट कम है जिसकी वजह से रूम में थोड़ा रिजल्ट नहीं आता, बट ये रूम का था ब्लॉग, तो रूम की सेटिंग में अलमारी की सफाई कर रही हूँ तो वो था, तो फिर जैसा भी है इट्स ओके। आप लोगों ने तो देखना ही है, चले खैर है, कोई बात नहीं। मैं इंशाल्लाह जल्दी जल्दी, फिर अभी मेरे इरादा है कि मैं यहाँ पे लाइटिंग करूँ, यहाँ पे ये जो इसकी जगह बची हुई है यहाँ पे करूँगी इंशाल्लाह। तो गाइस, रूम टूर भी आप लोगों को मिल जाएगा बहुत जल्दी इंशाल्लाह। अभी मैं रूम के कुछ डेज में मिलके सफाई करूँगी, सेटिंग चेंज करनी है, ईद आने वाली है तो ईद के लिए कितने स्पेशल डेज होते हैं ईद के, तो बहुत कुछ सोचा हुआ है इंशाल्लाह, अल्लाह पाक पूरा भी करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो मैंने रफ कपड़ा लिया यहाँ पे, इसको अच्छे से नीट किया अंदर से, और ये यहाँ छुपा हुआ है, मुझे मिल ही नहीं रहा था। अच्छा, काफ़ी डेज के बाद अच्छा ये मुझे मिला है। तो ये मेरा सन ब्लॉक है जो कि मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ, और ये करना भी चाहिए। हम ऐसे ही बाहर चले जाते काफ़ी लोग हैं। ये फेस वॉश है जो कभी मेरा दिल करे तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, और ये वाइटनिंग मसाजिंग क्रीम, ये मसाज के लिए जो चीज़ें होती हैं ये मैं वही यूज़ कर लेती हूँ जब कभी दिल करे। ये मास्क आई थिंक मैंने ये किया था और इसकी वीडियो भी अपलोड की थी, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अलमारी में अगर चीज़ें तरतीब से रखी जाएँ तो ही अच्छी लगती हैं, अदरवाइज बहुत ही बुरा लगता है। ये तो एलोवेरा जेल है, ये तो सबको पता होता है ये क्या है।
ये मेरी बस लाइट सी क्रीम्स वगैरह हैं जिसके कभी कभी दिल करे। मैं मतलब मेरा माइंड ऐसा है कि मैं डेली बेसिस पे चीज़ें यूज़ नहीं करती। मैं भी जब कभी दिल करे तो यूज़ कर ली, नहीं तो नहीं कर ली। अब वो ऊपर वाला जो है सेट हो चुका है और मैंने सोचा कि मैं नीचे की अलमारी कनेक्ट कर दूँ। चीज़ें ज़्यादा हैं मेरे ख्याल में और जगह कम है। अभी तो हाफ चीज़ें मैंने अपनी साइड पे रखी हुई हैं जो मैं यहाँ पे रखती नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। जो ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं उनको मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। इसमें क्या है, इसमें ग्लासेस हैं काफ़ी सारी, जब जो दिल करता है मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। और ये देखो मेरा ज्वेलरी पॉट्स, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें होने की वजह से इस बेचारे का सांस भी बंद हो रहा है, इतना भर चुका है ना। ये भी था, खत्म हो गया आई थिंक। सब यही यूज करते हैं ना हमारे घर में, तो बॉडी से। और इसको तो सब जानते हैं, इसका बताने का ज़रूरत ही नहीं है मुझे। इस पे वॉच है और पता नहीं मेरी क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ हैं, मुझे ये भी नहीं पता। ये देखें गाइस, इस पे कितना प्यारा लिखा हुआ है, श्री राजपूत। ये मिरर है, ये पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर, ये भी यूज कर लेते हैं। अच्छा जब इसका कोई ज़रूरत हो तो फिर। अच्छा मैंने ये यूज़ किया है, करने के बाद मेरे फेस पे ऐसी एलर्जी हुई है ना, उसके बाद ये बेचारा वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ। शायद मेरी स्किन सेंसिटिव है इस वजह से। ये भी मेरा सनब्लॉक है जो डॉक्टर ने दिया था, क्योंकि मेरी स्किन पे एलर्जी हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, इसकी वजह से फिर मैंने ये डॉक्टर से कॉन्टेक्ट किया, तो फिर डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन भी दी और ये वाला सनब्लॉक भी था। ये तो लोशन है, सो फाइनली गाइस ये देखें कितना प्यारा लग रहा है यार, माशाल्लाह। मैं काम कर लेती हूँ इसका मतलब। अब ये कोई बड़ा काम तो था नहीं, पर फिर भी यार देखो मैंने कितनी प्यारी नीट की है। अगर आप पहले, बल्कि आप देखेंगे कि पहले कितना गंदा था और अब कितना ज़्यादा नीट हो गया है। ये एक अलमारी जो थी ये तो मेरी डन हो गई, ये मैंने बिल्कुल नीट कर ली है। अभी ये वाली भी रहती है और ये वाली, ये दोनों मैंने ही मिलके करनी है। मिलके क्या, मैंने तो अकेले नहीं करना है। चले खैर है, कोई बात नहीं करना है, पर मेरा गंदा है तो मुझे ही उठाना पड़ेगा ना। मैं बहुत ज़्यादा कपड़ों के मामले में, मैं बहुत कपड़ों को गंदा करती हूँ। मैं दिखाई देती हूँ कि मैंने क्या हालत की हुई अलमारी की, पहने उतारे और ये पड़े हैं कपड़े, जूते देखो किस तरह से मैंने बिखेरे हुए हैं। चले कोई बात नहीं, करना तो मुझे पड़ना है। ये देखो क्या हाल। सो फाइनली ये अलमारी भी डन हो चुकी है, ये देखें। और ये मेरी ईद की कुछ शॉपिंग है, काफ़ी चीज़ें हैं इस पर पड़ी हुई हैं, कुछ उस अलमारी में पड़ी हुई हैं। ये जूते हैं मेरे सारे और ये मेरे कपड़े। चलो शुक्र है ये काम भी कम्प्लीट हो गया। तो ये मेरे जो भाई हैं छोटे, उनकी ईद आई हुई थी तो सोचा आप लोगों से ये भी शेयर कर लूँ। ये देखें दो ड्रेसेस हैं, इसमें उनकी पैंट शर्ट है, अभी मैंने दिखा रही हूँ। उन्होंने कहना मैंने ईद पे पहनी, तुमने पहले दिखा दी,
ये उनकी चीज़ें हैं, पता नहीं क्या क्या है, मैंने तो अभी तक देखी नहीं। वाह वाह यार, ससुराल से चीज़ें आई कितनी अच्छी लगती हैं वैसे। ये रुमाल है, परफ्यूम है, सॉक्स है, मतलब जो बॉयज़ की तकरीबन जो चीज़ें होती हैं, तकरीबन ही सब चीज़ें हैं इसमें। तो इसमें क्या है? अच्छा, ये कपड़ों पे जो लगते हैं, सही है। चलें, ये भी चीज़ें अच्छी हैं। मैं अलमारी नीड कर रही थी तो मैंने सोचा चलो ये चीज़ें मेरे हाथ लगी तो आप लोगों से ये भी शेयर कर ही लेती हूँ। और ये इनके सैंडल हैं, ये बेल्ट है, हाँ पैंट शर्ट के साथ बेल्ट है, इसमें पैंट शर्ट है, दो ड्रेसेस हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, अल्लाह पाक नसीब करे। ये जो छोटी सी डॉल है ये मेरी मीनू की है, मेरी भतीजी छोटी मीनू, ये उसकी फ्रेंड है और ये सारा दिन आपस में खेलती हैं। अभी वो सो रही थी तो व्लॉग में नहीं आ सकी, उसको नेक्स्ट टाइम मैं लेके आऊँगी। और मीनू इसका मेकअप करती है डेली, उसको मेकअप करने का शौक है, वो कहती है कि मैं इसको मेकअप करूँ, इसको रेडी करूँ, वो इसके साथ खेलती है, ये उसके साथ खेलती है। और अभी देखो इसके बाल भी नहीं बने हुए, जब मीनू खुद उठेगी वो इसको भी फ्रेश करेगी, इसका मेकअप करेगी, इसको कंघा करेगी, इसकी पोनियाँ करेगी। सो गाइस, माशाल्लाह से मैंने आज बहुत काम किया, ये तो कुछ नहीं, सुबह से उठ के बहुत और भी काम किए थे। जो ये कर रही थी तो मेरा दिल कर रहा था कि ये वाला जो काम है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही लूँ, क्योंकि काफ़ी डेज हो गए हैं मैं रेगुलर जो के व्लॉग्स नहीं बना रही थी, और मैंने सोचा कि मैं अब व्लॉग्स बनाऊँ। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं डेली और रेगुलर व्लॉग्स बनाऊँगी। तो मैं ये जो कर रही थी, ये मेरी दोनों अलमारियाँ, ये सामने की अलमारी, ये माशाल्लाह सब काम डन हो चुके हैं। मेट नहीं मिल रही, मेट जो कि छुट्टी पे है और ईद के बाद उसने आना है, तब तक मैं खुद ही काम करूँगी और मैं काम करती रहूँगी, आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। सो मेरा दिल कर रहा था कि जो भी मैं कर रही हूँ आप लोगों से शेयर करूँ, इस तरह मुझे भी अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट्स करते हो, बहुत अच्छे कमेंट्स करते हो, वो भी मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस, आज का काम हो गया है कम्प्लीट, इंशाल्लाह मिलेंगे कल। ओके, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।